सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सबके भी फेसबुक अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, यहां पर देख सकते हो स्क्रीनशॉट, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किया। और यहां पर देख सकते हो, मैं ये वीडियो कट कर रहा हूं, यहां पर देख सकते हो जैसे ही मैं आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन कर रहा हूं तो यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, बिल्कुल ही ये अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, यही ऑप्शन आ रहा है। और यहां पर इस तरह का नीचे ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, ये ओपन ही नहीं हो रहा है इस अकाउंट। तो इस अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार एक लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, आपको फेसबुक ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन नहीं करना है। अगर आप फेसबुक ऑफिशियल एप्लीकेशन में आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करते हो तो आपको फेसबुक एप्लीकेशन में आपको आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन नहीं करना है, सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ से आपको अपना फेसबुक ओपन करना है। अगर यहाँ पर आपको फेसबुक ना शो हो तो आपको सिंपली यहाँ पर एक टैब का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको टैब पर क्लिक कर देना है। न्यू टैब पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका शो होने लगेगा फेसबुक का आइकन, ठीक है। तो सिंपली आपको फेसबुक आइकन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको वो आईडी लॉगिन कर लेना है, ठीक है, अपना आईडी और पासवर्ड देकर यहां से लॉगिन कर लेना है। तो मैं फटाफट यहां पर आईडी अपना और पासवर्ड देकर लॉगिन कर रहा हूं। सो गाइज, मैंने अपना आईडी और पासवर्ड दे दिया हूँ, देना मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑप्शन आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली बीच वाले बटन पर क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। देन आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, टच वीपीएन, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, बट अगर आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो बहुत सारा कंट्री में आपको लॉक लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है, सिंपली मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे, तो उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम से इस एप्लीकेशन को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको किसी भी कंट्री में आपको लॉक लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देन आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, तो यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर अगर आप रीड करना चाहते हो तो यहाँ से रीड कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। देन आपको राइट साइड की तरफ आ जाना है और यहाँ पर ओके का बटन नीचे दिखाई देगा, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेस्ट चूज, तो आपको सिंपली बेस्ट चूज पर क्लिक कर देना है। और देन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक भी कंट्री में लॉक नहीं लगा हुआ दिखाई देगा, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा कंट्री में लॉक लगा हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जापान खोज लेना है, यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर जापान, तो आपको जापान पर क्लिक कर देना है। देन आपको कनेक्ट कर देना है, जापान से आपको कनेक्ट हो जाना है, कनेक्ट रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ से कुछ समय लगेगा कनेक्टिंग के लिए, टाइम लग सकता है, यहाँ पर 5 से 6 सेकेंड लगता है, कुछ भी लग सकता है। तो यहाँ पर मेरा कनेक्ट हो गया, ऊपर आपको चाबी का आइकन दिखाई देने लगेगा, अगर कनेक्ट हो जाएगा तो देन आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है, ठीक है, कनेक्ट करके आपको बैक आ जाना है। देन आपको क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको से एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, तो मैं यहां से न्यू टैब ओपन कर लिया हूं और यहां पर आपको सर्च बार में लिख देना है एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग, तो यहां से भी आप आसानी से जा सकते हो अपने क्रोम ब्राउजर से, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूं तो वहां से भी आप आ सकते हो इस साइट पर। तो सिंपली यहां पर आपको फर्स्ट साइट के पर क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस तरह का ऑप्शन आपको शो होगा एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, तो आपको सेकेंड नंबर पर क्लिक कर देना है, अकाउंट एक्सेस थ्रो बल ये है जो, उस पर क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सेकेंड नंबर पर क्लिक कर देना है, माई अकाउंट हैज बिन डिसेबल, और उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक लिंक रहेगा विजिट द हेल्प सेंटर, तो आपको विजिट
हेल्प सेंटर, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्हाट कैन आई डू इफ़ माई अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल। इसका मतलब कि आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आपको क्या करना है आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, यूज़ दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट और रिव्यू। आपको सिंपली रिव्यू पर इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना फॉर्म, ये फॉर्म फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको फर्स्ट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको या एक ईमेल नंबर दे देना है या फिर आप मोबाइल नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ अपना, ठीक है। और देन आपको सेकेंड पर क्या करना है, आपको योर फुल नेम, तो आपको सिंपली जो आपका फेसबुक प्रोफाइल का फुल नेम है, यूजर नेम है, वो यहाँ पर आपको देना है। और यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको वो आधार कार्ड यहाँ पर चूज करना है, जिस आधार कार्ड में वही नाम हो जो आपका प्रोफाइल में नाम हो, वही नाम वाला आधार कार्ड यहाँ पर फिल ऐड कर सकते हो, या फिर आप पैन कार्ड ऐड कर सकते हो जिसमें आपका प्रोफाइल और नाम मैच करे, वो आईडी यहाँ पर अटैच कर सकते हो, ठीक है। सॉरी गाइज, मैं यहाँ पर बीच में हलकला जा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ कर देना। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से सेंड कर देना। तो मैं फटाफट यहाँ पर अपना ये फॉर्म फिलअप करके आपको फिर से मिल रहा हूँ। सो वो फॉर्म सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना ईमेल को ओपन कर लेना है। देन ईमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ राइट साइड में कंपोज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको कंपोज पर क्लिक कर देना है। देन आपको टू में लिख देना है डिसेबल @support.facebook.com, आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, आपको इतना टू में लिख देना है। और देन आपको सपोर्ट में लिखना क्या है, माई फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल, ठीक है। आपको इतना लिख देना है सब्जेक्ट में। देन आपको कंपोज में क्या लिखना है, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं लिखने लग जाऊँ तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया हूँ, हेलो सर आई एम रियल यूजर ऑफ दिस अकाउंट, योर सिक्योरिटी सिस्टम बाय मिस्टेक डिसेबल माई पर्सनल अकाउंट फेसबुक अकाउंट एंड यू हैव डिसेबल माई अकाउंट ड्यू टू अगेंस्ट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड, बट आई एम प्रोवाइड योर ऑल डिटेल विथ इज, इतना लिख देना है, ठीक है। मैं अभी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ऐसे आपको काट लेना है, पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो फालतू का है उन सबका फालतू का स्पेस है उन सबको काट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिख देना है जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका ये सभी का लिख कर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर अटैच का एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ से आपको अटैच वाले पर क्लिक कर देना है और अटैच फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको वो आईडी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपका रियल नाम हो और रियल पहचान हो, वो आईडी यहाँ पर अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड अटैच कर दिया हूँ जिसमें मेरा फेसबुक का जो यूजर नेम था वो और मेरा आधार कार्ड का नाम है वो दोनों मैच कर रहा है, तो वही मैं यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ आधार कार्ड। देन यहाँ से आपको सेंड कर देना है। इतना काम करने के बाद यहाँ पर फेसबुक टीम आपका अकाउंट देखेगा, एक दो दिन लग सकता है, यहाँ पर आपका ईमेल देखेगा, सॉरी अकाउंट नहीं, आपका ये ईमेल देखेगा। देन आपका वो अगर आपका सारा चीज़ सही रहा तो आपका अकाउंट वापस कर सकता है, वापस आ सकता है, डिसेबल हट सकता है, आपका अकाउंट खुल सकता है। तो यही प्रोसेस था डिसेबल अकाउंट को कैसे ठीक करते हैं। तो आई होप गाइज आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और वैसे भी आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जो आपको सजेशन देना है वो आप दे सकते हो। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना।